एकीकृत पेंशन योजना को लेकर आगरा रेल मंडल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल के नेतृत्व में एक पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। प्रेस वार्ता के दौरान जन्माष्टमी पर्व पर आगरा रेल मंडल के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए केंद्र सरकार की ओर से एकीकृत पेंशन योजना लाई गई है, जिसे आगरा रेल मंडल में लागू किया जा रहा है। वहीं इस UPS योजना को लेकर आगरा रेल मंडल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने तमाम जानकारी साझा की। मंडल रेल प्रबंधक द्वारा एकीकृत पेंशन योजना की जानकारियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गोवर्धन सभागार मंडल कार्यालय आगरा में मंडल रेल प्रबंधक आगरा तेज प्रकाश अग्रवाल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS पर वार्ता के दौरान कई अहम जानकारी साझा की गई। वहीं इस पत्रकार वार्ता के दौरान यूनिफाइड पेंशन स्कीम को PPT के माध्यम से समझाया गया। वहीं सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं में सुधार और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत पेंशन योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को निश्चित और सुरक्षित पेंशन मिलेगी, साथ ही NPS में बाजार में निवेशित राशि के हिसाब से पेंशन की भी सुविधा की गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, जिसको लेकर के केंद्र सरकार के कर्मचारियों का काफ़ी विरोध था इसको लेकर के। तो केंद्र सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए परसों निर्णय लिया, एक नई स्कीम लॉन्च की है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो इसमें लगभग सभी वही सुविधाएं दी जा रही हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में हुआ करती थी। किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसको उसकी पिछले 12 महीने की तनख्वाह का एवरेज निकाल करके उसका 50% पेंशन दिया जाएगा। और किसी कारणवश अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी उसकी पेंशन का 60% लाभ मिलेगा। आगरा रेल मंडल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि एकीकृत पेंशन योजना न्यू पेंशन योजना से भिन्न है। इस योजना के तहत आगरा मंडल के 8,640 कर्मचारी को इस योजना से लाभ मिलेगा। इस योजना से उत्तर मध्य रेलवे के कुल लगभग 62,000 कर्मचारी, इसमें 55,500 सेवारत प्लस 6,000 सेवानिवृत्त मृत VR लाभान्वित होंगे। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसमें सरकार का योगदान बढ़ा है, उन्होंने 18% अंशदान बढ़ाया है, साथ ही फैमिली सुरक्षा भी दी गई है। यह पेंशन योजना बाजार पर आधारित है। कि इस स्कीम को लागू करने के लिए पहले केंद्र सरकार जो न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर रही थी उसमें केंद्र सरकार का करीब 14% का कंट्रीब्यूशन होता था। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को अपना जो सहयोग है वो बढ़ा करके 18.5% करना पड़ेगा। तो आगरा मंडल के करीब 8,640 कर्मचारियों को जो आज की डेट में हमारे रोल पर हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस स्कीम को इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट किया जाएगा। इसमें जो भी पेंशन मिलेगी अगर महंगाई बढ़ती जाती है तो उसके हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होती है हमारी इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उससे इसको लिंक किया गया है। तो उसमें जितनी महंगाई बढ़ेगी उसके हिसाब से पेंशन भी बढ़ती रहेगी। सर, इसमें काफ़ी कर्मचारियों और अधिकारियों का लंबा संघर्ष रहा है, तो किस तरीके का माहौल? आज आगरा मंडल में काफ़ी हर्ष का माहौल है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ मंडल प्रांगण में जुलूस भी निकाला है। सभी कर्मचारियों ने 2004 से काफ़ी संघर्ष किया है, तो इन सभी को मेरी तरफ से और आगरा मंडल तथा केंद्र सरकार की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि यदि सेवानिवृत्त कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों पति या पत्नी को पेंशन की 60% राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद कर्मियों को न्यूनतम पेंशन का अधिकार मिलेगा। सेवा के हर छठे माह के मूल वेतन का 10% हिस्सा जोड़कर कर्मचारियों को एक मुश्त राशि भी मिलेगी। 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मासिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सेवा के अंत में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त मुक्तान भी किया जाएगा। कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना और UPS में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प दिया जाएगा।